जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है, ये लोग संदेश भेजते हैं, बोले जी ऊपर से है ये, टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 MLA और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी, ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे CBI और ED के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा CBI ED के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है, कल तुम जांच वाँच भी करके ले गए कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री मंत्री CM बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मैं तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूँ, बड़ी बात है। CM की CM की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है, नहीं तो आदमी तो CM की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े, तो CM की कुर्सी ठुकरा दी उन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मिले। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए, मेरे पास अभी तक 12 MLA आ चुके हैं, एक एक MLA को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, CBI और ED छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको, कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक, सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको MLA को, इन्होंने कहा भी 40 MLA हमें चाहिए, 40 MLA तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में, ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं, आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं, आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं।